और इस वक्त हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में जमकर यहां पे हंगामा हुआ। भनभूलपुरा में अराजक तत्वों ने पथराव किया है और भनभूलपुरा थाने के बाहर गाड़ियों में आग लगा दी गई। नगर निगम टीम पर अराजक तत्वों ने पथराव किया है। कई पुलिसकर्मी इसमें और नगर निगम के कर्मचारी घायल भी हुए हैं। निगम की जेसीबी समेत पास खड़ी एम्बुलेंस और बाइक के भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर भारी पुलिस बल के अलावा प्रशासनिक अमला मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त तो कई पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी भी इसमें घायल हुए हैं। तो अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला और नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में यहां जमकर हंगामा किया गया। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, यहां पे प्रशासन का पंजा चला, लेकिन यहां हंगामा इस कदर हुआ कि प्रशासनिक टीम पे ही हमला कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत जो मलिक बगीचे में कुछ आक्रमण की सूचना थी, जिस पर आज नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें गई थी, परंतु शायद जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि भीड़ इतनी उग्र हो जाएगी। अचानक अराजक तत्वों ने पथराव बवाल शुरू कर दिया। पुलिस ने भरसक कोशिश की पूरे क्षेत्र को छावनी में बदलने की, परंतु स्थिति नहीं संभली। कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, पुलिस ने पूरे इलाके को रोक दिया है। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी, अधिकारी, पत्रकारों को चोटें आई हैं और बताया यह भी जा रहा है कि एक अधिकारी थाने में फंसे हुए हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति जिला प्रशासन के लिए खड़ी हुई है। ये वही बनफूलपुरा का इलाका है जहां बीते दिनों रेलवे अतिक्रमण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुदीप, अभी क्या हालात है वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए अभी हालात तनावपूर्ण है। पुलिस ने चारों तरफ की सीमाएं ब्लॉक कर दी हैं, आवाजाही पर रोक लगा दी है। अराजक तत्वों को ढूंढा जा रहा है और प्रयास ये किया जा रहा है कैसे भी स्थिति शांत हो। एक थाने को भी नुकसान पहुंचाने की सूचना आ रही है, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। नैनीताल का जो हल्द्वानी सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, वहाँ कानून व्यवस्था इस समय बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत एक तरीके से हमला किया गया, चूंकि अवैध ये बाजार और मस्जिद बताई जा रही है जो जिस पे कार्रवाई हुई, वहां पे इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं हमला करते। जी देखिए, अभी पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी ड्राइव चल रही है और बहुत बड़े बड़े अतिक्रमण हटाए गए, मामूली विरोध तो हुए हैं, परंतु ये घटना ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर है। जो एलआईयू इंटेलिजेंस है वो इस बात को नहीं भांप पाई कि स्थिति ऐसी हो सकती है। और एक चूक भी है, कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशन होता है जब कोई कार्रवाई करते हैं तो स्थानीय लोगों से भी बातचीत करते हैं, एक माहौल बनाया जाता है। परंतु अब ये तो सारी चीजें जांच का विषय है, उपद्रवियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो रही है। देखना ये होगा कब तक स्थिति पर नियंत्रण आएगा, परंतु इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल सुदीप, और सवाल यही कि इन लोगों में डर नहीं, इन्होंने पुलिस टीम, प्रशासनिक टीम, सरकारी अधिकारियों पर निशाना, उनको ही निशाना बना दिया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बेखौफ दबंग थे जिन्होंने कुछ भी आओ न देखा ताओ, जिसे कहते हैं सीधे हमला करना। कई राउंड तो पथराव हुआ है, हवाई फायरिंग की भी सूचना है और इसके बाद वाहनों को तोड़फोड़ किया गया, वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आग के हवाले वाहनों को किया गया। और ये ऐसा लगता है कि एक उन्मादी भीड़, एक उत्पाती भीड़ थी जो पूरी पुलिस प्रशासन और पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम पर भारी पड़ी और इसने जो चाहा वही किया। अब जिले की सीमाएं, आसपास के इलाके को ब्लॉकेज किया गया है ताकि अन्य लोग ना आने पाए, परंतु अब ये मामला बड़ा होगा और अब इसमें राजनीति भी शुरू होगी। तो क्या कुछ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं हालात को देखते हुए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है? बड़े अधिकारी जिले के मौके पर बताए जा रहे हैं और एक एडिशनल एसपी वो शायद थाने या किसी चौकी में फंस गए हैं भीड़ को देखते हुए, या खुद को उन्होंने सेफ किया है, ऐसी भी एक खबर आ रही है, परंतु आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। सुदीप, लगता ऐसा है कि भीड़ ज्यादा थी, प्रशासनिक टीम कम थी या पुलिसकर्मियों की संख्या कम थी, उस तैयारी से नहीं गए जिसका इस तरह के हालात बन गए? जी बिल्कुल, हो सकता है ऐसा, इस बात से कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपने जिस विषय को बहुत सामान्य लिया वो उतना सामान्य नहीं था। लोग एकत्रित थे या उनको पहले से पता था कि इस प्रकार से प्रशासन आ रहा है, उन्होंने अपनी ज्यादा बेहतर तैयारी की थी विरोध की। विरोध अतिक्रमण हटाने में देखिए होता है, सामान्य बात है, परंतु ये उत्पात है, ये बवाल है, इसे विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसका भी अतिक्रमण टूटता है वो विरोध दर्ज कराता है और प्रशासन उसे समझा बुझा के मना लेता है। परंतु आज की जो घटना घटी है हल्द्वानी में, ये बहुत चिंताजनक है।
और इस पर पुलिस प्रशासन भी अब काम करने की बात कह रहा है, देखना होगा कब तक स्थिति नियंत्रण में आती है। सुदीप, अगर ऐसा यूपी में होता तो ऐसा हुआ भी है, फिर अगले दिन वहां पे उनके पत्थरबाजों के घरों पे बुलडोजर चलता है, क्या उत्तराखंड में ऐसी उम्मीद है कि ऐसा कोई सख्त कार्रवाई दिखाई दे? जी देखिए, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं और इस बात में कोई भी किसी को शकशुबा नहीं होना चाहिए कि उत्पातियों के साथ कोई नरम रवैया अपनाया जाएगा। अब जैसी भी चलेगी वो अरेस्ट होंगे, उनकी पैमाइश होकर सारे कब्जे टूटेंगे, ये तो चीजें बाद में स्पष्ट होंगी, परंतु अब शाम का वक्त अंधेरा हो चुका है। प्रशासन के सामने चुनौती है कि उत्पाती जहां भी छिपे हैं, दबे बैठे हैं, उनको ढूंढ के निकाला जाए, हवालात और जेल पहुंचाया जाए और पूरी तरीके से वो पूरा वो इलाका है उसको अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि अब जो मौजूदा समय में जो कुछ घटा वो आगे ना हो, क्योंकि एक पर्यटन प्रदेश भी है और दूसरा और सुदीप, क्योंकि हमने जिला अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अभी किसी भी तरीके से कोई खुल के बोलने को तैयार नहीं है लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जिम्मेदार अफसर है, इनको बोलना चाहिए, कमी है, बेहतर है, ये अगर गुडवर्क पर वाहवाही लेते हैं तो कहीं कोई कमी रही या उन्मादी भीड़ इन पर हावी रही तो इनको दोनों विषयों पर बताना चाहिए। आप जानकारी न, जब आप किसी विषय पर जानकारी नहीं देते हैं तो विषय और भ्रमित हो जाता है, गलत जानकारियां ज्यादा फैलने लगती हैं, इसलिए जिम्मेदार अफसरों को इस पर बोलना चाहिए, मीडिया को पूरी विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए, आप हालात पे नजर बनाए रखिए क्योंकि जिस तरह का मामला है वो बेहद गंभीर, तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पे कैसे लोग बेखौफ हैं, यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, महिलाएं भी हैं जो पथराव करती हुई दिखाई दे रही हैं, पत्थर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, पुलिस प्रशासनिक अमला जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हालात बेकाबू हुए। हालांकि अब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सीमाओं को सील किया गया है ताकि बाहर से कोई लोग अंदर ना आ पाए, तो नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम पे यहां पे हमला किया गया, इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, जो कुछ निगम के कर्मचारी हैं कुछ पुलिसकर्मी हैं। हल्द्वानी में यह सब कुछ हुआ, भनभूलपुरा में अराजक तत्वों ने पथराव किया। तो उत्तराखंड का हल्द्वानी जहां अवैध मस्जिद और मदरसे पे बुलडोजर चला लेकिन निगम यानी नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में यहां हंगामा हुआ, उत्पात मचाया गया, पथराव किया गया। बनभूलपुरा में अराजक तत्वों ने पथराव किया और इस पथराव में कई पुलिसकर्मी और कई सरकारी कर्मचारी भी घायल हुए हैं और इन तस्वीरों को देख के भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे हालात कितने बेकाबू हैं। पुलिस ने आंसू गैस का गोला भी दागा कि किसी तरीके से हालात कंट्रोल हो लेकिन जो पत्थरबाज हैं उन्हें कोई डर नज़र नहीं आ रहा, वो पथराव करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस तरफ से पत्थर चल रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, बता रही हैं कि इनको ज़रा भी डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, और जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहा था अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के लिए उसका विरोध करते करते इस कदर ये हावी हो गए कि वहाँ पथराव होने लगा, वहाँ पे हवाई फायरिंग तक की बात की जा रही है और इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इसमें कई सरकारी कर्मचारी भी घायल हो रहे हैं, उनकी भी खबर है कि वो भी घायल हुए हैं और अपने आप में तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यहाँ पे कैसे हालात है तनावपूर्ण। और ये देखिए किस कदर यहाँ पत्थर उस तरफ से चल रहे हैं, उसमें महिलाएं भी पत्थर उठा के मारती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए उस तरफ से जो भी उस तरफ खड़े हैं लोग वो पुलिस टीम पे पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में इस कदर कानून हाथ में लिया जाएगा और कैसे यहां पत्थरबाजी की जा रही है, प्रशासनिक टीम के साथ ही ये लोग भिड़ गए, तो नगर निगम टीम पर अराजक तत्वों ने पथराव किया है। एक बार फिर जुड़े सुदीप, जिस तरह के तस्वीरें हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि हालात बहुत तनावपूर्ण है यहाँ पे और लोग एक पूरी भीड़ है जो पुलिस टीम पे टूटती दिखाई दे रही है। सबसे पहले जानकारी न्यूज़ ऑन इंडिया ने दर्शकों को है कि हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के दौरान उत्पात हो रहा है, कानून व्यवस्था को, कानून को उत्पातियों ने, उपद्रवियों ने अपने हाथ में ले लिया है। यही वजह है
जो पुलिस प्रशासन, तमाम पीएसी के सिपाही और जो तमाम व्यवस्था प्रशासन करता है वो बौनी साबित हो गई उपद्रवियों के सामने। मेरी जानकारी ये भी है कि हवाई फायरिंग भी हुई है कुछ इलाकों में। अब उसमें कोई घायल चोटिल है इसकी जानकारी नहीं है, परंतु कई लोग पथराव में घायल हुए हैं, जिसमें सामान्य लोग हैं, मतलब सिविल पुलिस, सिविल पब्लिक है यानी पत्रकार हैं, और कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। अब देखना यह है कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को शॉर्ट आउट कराया जाता है, उपद्रवियों को फंसा जाता है और प्रशासन ये साबित करता है कि वो कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहा है। परंतु इतना कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि नैनीताल जिला प्रशासन इस पूरे प्रकरण को टैकल करने में फेल रहा, वो अंदाज नहीं लगा पाया और घटना होने के बाद भी बहुत कुछ नुकसान हो चुका है और कानून व्यवस्था के नाम पर एक बड़ी क्षति नैनीताल जिले में हुई है। क्योंकि हम तस्वीर में देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी पत्थरबाजी कर रही हैं, युवा हैं, कई लोग हैं और एक पूरी भीड़ है वहां पे जो प्रशासनिक टीम पे, पुलिस टीम पे पत्थर बरसा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं, ये बहुत से लोग हैं, इसमें महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। जी, यही मैं थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो इंटेलिजेंस से रिपोर्ट भी ली जाती है। एलआई इंस्पेक्टर, संबंधित इलाके के सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट देते हैं कि मौके की स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए और क्या तैयारी की जाए। ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन की एक भारी कमी, सही सूचना की एक भारी कमी ने पूरी घटना कराई है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि कब तक स्थिति, कब तक माहौल शांतिप्रिय होता है, कब तक ये तनाव खत्म होता है। लेकिन आला अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं। हमने जिला अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई। कई लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से बात हो, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ये भी दिखाता है कि आप लापरवाही बरत रहे हैं। कम से कम एक तस्वीर तो साफ कीजिए कि अभी वहां पे क्या हालात है। बिल्कुल, यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। जो जिम्मेदार अफसर हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों, एसएसपी हों या और बड़े अफसर मंडल के हों, उनको सही तस्वीर देनी चाहिए मीडिया के माध्यम से, ताकि सही तस्वीर लोगों के बीच आ सके। कोई वहां ट्रेवल करने जा रहा है, कोई स्थानीय लोग हैं, वो समझ तो सके, क्योंकि फिलहाल वहां भय और दहशत का आलम है और सीधे सीधे एक कानून व्यवस्था की बहुत बुरी, बहुत बिगड़ी हुई तस्वीर हल्द्वानी से आई है। और सुदीप, चूंकि इन दिनों यूसीसी को लेकर भी पूरी चर्चा, उत्तराखंड में बिल पास हुआ, वो सब हुआ, उसके बाद चूंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार यहाँ बुलडोजर चला हो, ऐसी कई मजार, कई ऐसी अवैध मस्जिद और कई जगह पे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, हटाया गया, लेकिन यहाँ पे जो हुआ वो ऐसा तो नहीं कि कहीं एक प्लानिंग के तहत हुआ, यूसीसी को लेके भी गुस्सा और फिर यहाँ पे जो हुआ वो सब सामने है? जी देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देहरादून, हरिद्वार में बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण तोड़े गए और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सरकार ने की और जिसकी वाहवाही पूरे देश में हुई। इस बात से भी कोई इनकार नहीं है कि अज्ञानतावश जिनको यूसीसी के बिंदुओं की, यूसीसी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है, वो केवल अफवाहों के आधार पर आक्रोशित हो गए और इस प्रकार से सड़कों पर उतर कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी अफसरों में, सिविल लाइजन की एक बैठक भी होती है, हम लोग भी कवर करते हैं, जिसमें सभी पक्षों को बैठा के समझाने बुझाने, नियमों को बताने की कोशिश होती है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं दिखा और ये तस्वीरें बता रही हैं, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि कानून व्यवस्था किस ओर है। और सुदीप, ऐसे भी संभावना है कि जिस तरह का मामला है, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आ सकती है या उनका ट्वीट आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और सियासत भी इस पे आने वाले वक्त में होगी? तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस पर राजनीति होना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल तय है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मेरी जानकारी ये है, सूत्रों ने बताया है, मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया है, वरिष्ठ अफसरों से लगातार संपर्क में है। आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदार अफसरों पर गाज भी गिर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल साफ कह चुके हैं कानून व्यवस्था पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होगा, कोई भी कितना भी बड़ा हो, किसी से भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और सुदीप, खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक एक बुला ली है, तो इस हालात को देखते हुए, इस तनाव को देखते हुए, इस मामले को देखते हुए। वही मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री वरिष्ठ अफसरों से लगातार संपर्क में है और एक बैठक भी बुलाई गई है ताकि इस पूरे प्रकरण को समझा जा सके, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा सके और प्रशासनिक स्तर पर कहां क्या कमी रही है उसकी जांच कराकर उसमें भी लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल सुदीप, और ये अपने आप में हम थोड़ा सा दर्शकों को इस तस्वीर के बारे में, इस खबर के बारे में बताएं कि जिस तरह की ये तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पे कैसे अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाई, कैसे उपद्रव मचाया, कैसे यहाँ पे पथराव किया। खबर ये भी है कि फायरिंग तक हुई है, हवाई फायरिंग उसमें हुई और कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है, कई जो निगम के कर्मचारी हैं वो जख्मी हुए।
और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक भीड़ जो है वो पथराव करती हुई दिखाई, इस तस्वीर को देखिए, इसमें महिलाएं भी पत्थर चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। वो देखिए वहाँ पे कुछ युवा हैं जो पत्थर इस तरफ फेंक रहे हैं पुलिस की टीम पे, महिलाएं भी हैं जो बाकायदा उनका साथ दे रही हैं, बजाय उन्हें रोकने के या मना करने के वो खुद पत्थर चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सुदीप, न्यूज़ वन इंडिया पे लगातार जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो वही बहुत कुछ कह रही हैं। वो कह रही हैं कि यहाँ पे इन लोगों को डर नहीं है कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, जो ये उन्मादी उत्पाती भीड़ है, ये कानून को हाथ में लेकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने, जो एक सौहार्द का माहौल है, जो एक शांति व्यवस्था कानून प्रिय सरकार का माहौल है, उसको खराब करने की साजिश है और इसमें ये सफल भी रहे। अब प्रशासन कितनी सख्त कार्रवाई करता है ताकि स्थिति सुधरे और कैसे ऐसे लोग चिन्हित होते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और हमारी जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री इस मामले में कोई एक और, जैसे वो सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं, इस मामले में भी कोई वो बड़ा और सख्त फैसला ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो ये हल्द्वानी के हालात हैं, जहाँ पे एक अवैध धार्मिक स्थल को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुँची थी और वहाँ पे उसका विरोध इस कदर हुआ कि यहाँ पत्थरबाजी होने लगी। यहाँ पे आप तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात बने होंगे। तो भनभूलपुरा, ये इलाका हल्द्वानी का, जहाँ पे गाड़ियों में बताया जा रहा है कि नुकसान पहुँचाया, उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया, निगम की टीम पे पथराव किया गया। पथराव की तो ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं, महिलाएं भी पत्थर चलाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पुलिस आंसू गैस के गोले दागती हुई भी दिखाई दे रही है ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके।